स्टार्ट करते हैं मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन पोम से। यहाँ पर फर्स्ट टेंस के अंदर लिखा है, वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डजंट मैटर बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल व्हिर्लिंग मोटर एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड ही रैन एज स्टिल एज वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक टॉकिंग फैन के बारे में बात हो रही है और वो किस तरीके से बात करता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके घर पर जो पंखा होता है अगर उसकी ऑयलिंग ना हो तो वो काफ़ी अजीब तरीके की आवाज़ें निकालता है। तो यही बताना चाह रहे हैं पोएट कि वो कैसे इलेक्ट्रिकल चैटर के थ्रू वो ऐसी आवाज़ें निकालता था। मैं पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा तो उसकी बातें समझ नहीं पाता था और शायद ये जो बातें वो बोलना चाहता था वो ज़्यादा मैटर भी नहीं करती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि किसी ने उसकी जो मोटर थी उसको क्या कर दिया, अच्छे से ऑयलिंग कर दी उसके अंदर और अब वो बहुत ही स्मूथली चलने लगा और बहुत ही शांति से वो घूमने लगा, जिसकी वजह से उन्हें बिल्कुल भी अब आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी। इस पोम के राइटर हैं दैट इज़ मॉड रूबिन। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फैंस डोंट टॉक बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू, व्हाट इज इट देन द साउंड्स लाइक द फैंस चैटर। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि फैंस वैसे तो बात नहीं करते लेकिन इमेजिन करो कि वो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो उनकी आवाज़ें होती हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं पंखे से जब थोड़ा सा उसकी ऑयलिंग वगैरह नहीं होती, तो वो क्या बोलना चाह रहे होंगे, ये आप लिख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको पोम से सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज द फैन ऑब्वियसली इज रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज, मिस्टीरियस क्यों थी ये बात, क्योंकि आई कुडंट हियर व्हाट ही सेड, मतलब वो क्या बोल रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था और ना ही वो सुन पा रहे थे। What do you think the talking fan was demanding? Talking fan क्या चीज़ डिमांड कर रहा था? Obviously जब वो इस टाइप की आवाज़ें निकाल रहा था तो वो ऑयल डिमांड कर रहा था। The talking fan was demanding oil. How does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on? जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है वो इतनी सारी हवा कैसे फेंक पाता है जब वो स्विच ऑन होता है? Obviously वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके अपनी मोटर को रोटेट करती है जब उसकी मोटर, तब वो ऑब्वियसली उसके थ्रू और ज़्यादा हवा को फेंक पाता है हमारी तरफ। इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस, क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द फैन एंड अ मैकेनिक। तो यहाँ पर ये पूछा गया है हमसे, क्या आपके घर में भी कोई टॉकिंग फैन है, क्या आपके घर में भी किसी पंखे से आवाज़ आती है? अगर आती है तो आप एक ऐसे ही डायलॉग बनाएं और उसको लिखें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आए होंगे और ये अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। तो स्टोरी स्टार्ट होती है निशत से। निशत एक 7 साल का बच्चा था, उसका नाम जो था वो भी 7 ही उसका मीनिंग था, जो उसका नाम था उसका भी मीनिंग क्या था, 7 ही था और वो 7 साल का ही था। और जो उसकी बहन थी माया वो भी उसके साथ रहा करती थी और वो 10 ईयर ओल्ड थी, मतलब वो 10 साल की थी। ये जो दोनों भाई बहन थे ये हमेशा से जानना चाहते थे कि आखिर जो उनके नेबर मिस्टर नाथ हैं वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, और ऐसा इन दोनों बच्चों को क्यों लगता था कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल हैं। इन दोनों बच्चों को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मिस्टर नाथ हमेशा अपने घर के अंदर रहा करते थे, वो ज़्यादा बाहर किसी से मिलते भी नहीं थे और ना ही उनकी ज़्यादा किसी से दोस्ती थी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि जो मिस्टर नाथ थे वो अपना ट्रीटमेंट निशत और माया की मदर से करवा रहे थे। जो निशत और माया थे उनकी जो मदर थी वो डॉक्टर थी, तो मिस्टर नाथ उनके क्लिनिक पे आया करते थे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और हमेशा से जो निशद और माया की मदर थी वो हमेशा निशद और माया को बताया करती थी कि वो काफ़ी अच्छे आदमी हैं मिस्टर नाथ और वो काफ़ी शांत रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो ये दोनों थे इन दोनों ने कोशिश करी जानने की, निशद और माया ने, कि कैसे हम लोग पता लगा पाए मिस्टर नाथ के बारे में। एक दिन की बात है, ये लोग ऐसे ही खेल रहे थे तब जो इनके मार्बल्स थे, मार्बल्स मतलब जो इनके कंचे थे, खेलते खेलते मिस्टर नाथ के घर के अंदर चले जाते हैं। वो जब एंटर करते हैं मिस्टर नाथ के घर के अंदर अपने मार्बल्स लेने के लिए, तब वो मिस्टर नाथ की तरफ देखते हैं तो उनके फेस पर एक बड़ा ही अजीब सा निशान होता है, जिसे देखकर उन दोनों को ये लगता है कि कहीं मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल तो नहीं है, ज़रूर इन्होंने कोई क्राइम करा होगा, इसी वजह से पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश करी होगी।
तभी तो इनके फेस पर ऐसा निशान है। ये सारी चीज़ें वो दोनों सोचने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो लोग कोशिश करते हैं मिस्टर नाथ के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। तभी उनको पता चलता है मिस्टर नाथ के डिलीवरी बॉय के बारे में, जिसका नाम रमेश था। रमेश मिस्टर नाथ को खाना दिया करता था रोज़। कभी रोज़ सुबह सुबह वो उनको एक कप चाय देता था और दो टाइम उनके लिए खाना लाया करता था। और रमेश से दोस्ती करने की कोशिश करता है निशत, और निशत जब दोस्ती करता है रमेश से तो उसको काफ़ी चीज़ें पता चलना स्टार्ट होती हैं मिस्टर नाथ के बारे में। जब निशत दोस्ती करता है रमेश से तो वो रमेश से पूछता है कि तुम क्या क्या खाने पीने के लिए लेकर आते हो और क्या क्या करते हो तुम, और तुम्हें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है मिस्टर नाथ के किसी फ्रेंड के बारे में, तुम्हें पता है? तो रमेश बताना स्टार्ट करता है कि मिस्टर नाथ जो है वो अच्छी खासी मेरे को टिप तो देते ही हैं और मैं दो टाइम खाना लेकर आता हूँ, लेकिन संडे को हाँ मैं डबल खाना लेकर आता हूँ उनके घर पर। और उनके घर पर कोई उन्हें विजिट भी करने के लिए आता है। जो आदमी उन्हें विजिट करने के लिए आता है वो लंबा चौड़ा और चश्मा लगाकर आता है। वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी चौड़ा है और चश्मा भी लगाता है। ये सारी चीज़ें वो उनको बता देता है। तो निषद और माया जो होते हैं वो अपने दिमाग में खुद ब खुद कहानियाँ बनाने लग जाते हैं, डिस्कस करने लग जाते हैं। और वो इस पॉइंट पर पहुँचते हैं कि ज़रूर ये जो पर्सन आ रहा है मिस्टर नाथ से मिलने, ये इनका पार्टनर इन क्राइम होगा। मतलब जो इन्होंने क्राइम करा होगा उसके अंदर इनका पार्टनर होगा ज़रूर। ये सारी चीज़ें वो सोचने लग जाते हैं और अपने मन से सारी चीज़ें वो बनाने लग जाते हैं। तो एक दिन की बात होती है जब निशत का बर्थडे होता है, तब डिसाइड करता है निशत अपने बर्थडे पर अपनी मदर के साथ उनके क्लिनिक पे जाने के लिए। जब वो क्लिनिक पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर मिस्टर नाथ भी आए हुए हैं। तो वो मिस्टर नाथ को देखकर दोबारा से सोचने लग जाता है वही सारी चीज़ें जो वो और उसकी बहन डिस्कस कर रहे होते हैं। वो मिस्टर नाथ को चॉकलेट भी ऑफर करता है और वो फिर दोबारा अपने घर पर वापस आ जाता है। जब वो घर पर वापस आता है तो वो फिर दोबारा मिस्टर नाथ के बारे में सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके उनका स्कूल खुलने का टाइम हो जाता है। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और जब गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं और उनके स्कूल ओपन होने का टाइम होता है तो दोनों भाई बहन रेडी होने लग जाते हैं स्कूल जाने के लिए नेक्स्ट डे जब स्कूल ओपन हो। लेकिन जब वो रेडी होते हैं तब उनको पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से वो आज स्कूल नहीं जा पाएंगे। स्कूल तो कैंसिल हो जाता है उनका और वो आराम से घर पर बैठ के, जो निषद होता है वो कॉमिक्स पढ़ रहा होता है और माया अपनी खुद की थ्योरीज बना रही होती है कि ज़रूर मिस्टर नाथ क्रिमिनल हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन जो निषद होता है वो